हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीस कुकिंग शो। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको जीरा राइस बनाकर बताने वाली हूँ। राइस आपस में ना चिपके, इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ और यही हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सभी को ये जानना था कि हम कैसे खिला हुआ चावल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मल चावल से भी आप इसको बना सकते हैं, तो आइए शुरू करें। देखिए दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई लिया है और मैं इसको गर्म कर ले रही हूँ। इसको गर्म करने के बाद मैं इसमें घी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो घी प्लस रिफाइंड ऑयल दोनों को साथ में मिलकर के डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी 1 से 2 चम्मच घी ले लिया है। ये ठंड की वजह से ऐसा हो गया है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको पहले से भी फिकला करके रख सकते हैं। हमारा घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, थोड़ा चीनी और सूखा मिर्च। मैंने ऐसे करके घी को चारों तरफ से फैल दिया है और इसको फैलाने के बाद मैं इसमें सारे चीज़ों को डाल करके इसको क्रैक होने के लिए दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे खड़े मसाले क्रैक हो गए और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। मैं जीरा को 1 से 1.5 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें एक ही गिलास चावल का उपयोग कर रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से जीरा को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब हमारा जीरा थोड़ा क्रैक हो जाए, सुनहरा हो जाए, तो हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, हमारा लगभग ये हो ही चुका है। आपको इसको सावधानी से करना है ताकि ये जल ना जाए। अब मैं इसमें 1 गिलास बासमती राइस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल राइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें 1 गिलास बासमती राइस डाल करके इसलिए भून ले रही हूँ। इसको भूनने से क्या होगा दोस्तों, हमारा जो चावल है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और साथ ही इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा घी का, और बाकी मसाले का भी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो हमें चावल को घी में ज़रूर से भून लेना चाहिए, तब इसमें वैसा फ्लेवर आता है। तो हमने जिस गिलास से चावल लिया था उसी ग्लास से हम उसमें पानी भी डालेंगे ताकि इसकी एक्यूरेसी अच्छे से बनी रहे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 गिलास पानी डाला और साथ ही मैं डालूंगी इसमें आधा से थोड़ा ज़्यादा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी ले लिया है। अब मैं इसको अपने स्वाद अनुसार थोड़ा चीनी डाल दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो हमको इसको चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये चिपक ना जाए, और मैं इसको ढक करके पकाऊंगी ताकि ये जल्दी से पक भी जाए। देखिए दोस्तों, ये 10 से 15 मिनट में आपका तैयार हो सकता है अगर आप इसको ढक के पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसके स्वाद अनुसार नमक। मैंने नमक को बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि आपको चावल की क्वांटिटी का थोड़ा पता चल जाए। जब चावल थोड़े से पक जाएंगे तो आपको उसकी क्वांटिटी का अच्छे से पता चल पाएगा। तो हमें इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमें इसमें कुछ भी सब्जियों के साथ हमको इसको प्रयोग में लाना है, इसलिए इसमें ज़्यादा नमक हम नहीं डालते। मैंने इसको आधा ढक करके फिर से पका लिया है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा लगभग पानी सूख गया है। आप चाहें तो इसमें से खड़े मसाले निकाल सकते हैं क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है अगर आप उनके मुंह में खड़े मसाले अचानक से चले जाए, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं इसमें से सारे लगभग खड़े मसाले मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें ताकि आपके गेस्ट को ऐसा अच्छा लगे। ये भी देखिए, मैंने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं और हमारा पानी भी लगभग सूख गया है और हमारे चावल भी पक चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये और सुनहरा हो सके। दोस्तों, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आपने देखा, मैंने इसको बनाने के पहले और बनाने के बाद दोनों समय मैंने घी का प्रयोग किया है, इससे आपके चावल नहीं चिपकेंगे। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।